हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरी डे। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिरिक। द लिरिक की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का एक पार्ट है। द लिरिक जो है आपका वो एक लैटिन वर्ड लिरिकस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, पर्टेनिंग टू द लेयर। लिरिकस पोएट्री इज़ अ फॉर्मल टाइप्स ऑफ पोएट्री विच एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स, टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। द टर्म्स ड्राइव फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ एंशियंट ग्रीक लिटरेचर। द लिरिकस विच वर डिफाइंड बाई इट्स म्यूजिकल एकम्पनीमेंट, यूजअली ऑन अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नोन एज अ लेयर। लिरिकस जो है एक फॉर्मल टाइप्स है पोएट्री की। ये एक्सप्रेस करती है हमारी पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स को, एंड स्पोक इन द फर्स्ट पर्सन। ये एंशियंट ग्रीक लिटरेचर से ड्राइव हुआ है। एंड किसके थ्रू गाया जाता है इसको, लेयर क्या है आपका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड द अर्लीस्ट लिरिकस जो है वो लिखा गया था ग्रीक लैंग्वेज में। द अर्लीस्ट लिरिक वर रिटन बाय ग्रीक में लिखा गया था फर्स्ट लिरिक। एंड लिरिक है जो वो इंट्रोड्यूस कराया हमें इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम किसने, सर थॉमस व्याट ने। यहाँ से इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है लिरिक को किसने इंट्रोड्यूस कराया था, सर थॉमस व्याट ने। एंड द लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पोएटिक कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू M.H. इब्राहिम। अ लिरिक मस्ट हैव थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इब्राहिम के अकॉर्डिंग थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिरिक के। फर्स्ट है, इट मस्ट बी अ शॉर्ट पोएम, इट मस्ट हैव म्यूजिकल क्वालिटी, इट मस्ट एक्सप्रेस एनी वन सिंगल इमोशंस। ये थ्री क्वालिटीज़ बताई हैं M.H. इब्राहिम ने। एंड उन्होंने कहा है कि जो लिरिक है वो शॉर्ट पोएम होती है, एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पोएटिक कंपोजिशन। एंड लिरिक के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ लिरिक। फर्स्ट होता है स्टार्ट इमेजिनेशन, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ थॉट, एंड थर्ड होता है आपका एंड ऑफ लिरिक। एंड कुछ टाइप्स भी होते हैं लिरिक के, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल जो है वो पोइट उसमें अपने शोज करता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। टाइप्स ऑफ लिरिक कितने हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, टू टाइप्स के लिरिक होते हैं। पर्सनल में हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स को पोइट शो करता है। एंड इम्पर्सनल में वो सोशल ओकेशन लाइक फेस्टिवल को शो करता है। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट लिरिक्स हैं, फर्स्ट है सर थॉमस व्याट का इम्पॉर्टेंट लिरिक्स, हुज लिस्ट टू हंट, H.D. का है द पूल, रॉबर्ट हैरिक का है अपॉन जूलियस क्लॉथ्स, एंड T.E. होलमे का है ऑटमन, एंड एमली डिकिंसन का है द हार्ट आस्क प्लेजर फर्स्ट। W.B. यीट्स ने लिखा एक लिरिक, ही विशेस फॉर द क्लॉथ्स ऑफ हेवन। चार्लोट म्यू ने लिखा अ क्यूबॉन डायर। एंड अदर फेमस लिरिक्स हैं, जॉन मिल्टन का है काफ़ी फेमस एल एलिग्रो, विलियम वर्ड्सवर्थ का डेफोडिल्स, ये काफ़ी फेमस हैं दोनों लिरिक्स। एंड अकॉर्डिंग टू रस्किन, लिरिक टू द एक्सप्रेशन बाय द पोइट ऑफ हिज ऑन फीलिंग। अगर रस्किन की हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा है, जो लिरिक है वो एक एक्सप्रेशन है पोइट का अपनी फीलिंग को शो करने का। एंड कुछ फेमस लाइंस भी हैं लिरिक्स की, ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज, ये लाइंस किससे ली गई है, बेन जॉनसन के लिरिक्स से। एंड सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज डिलाइट, द वंडर ऑफ ऑन स्टेज, माई शेक्सपियर अराइज, ये ली गई हैं बेन जॉनसन के द्वारा। एंड ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, ये ली गई हैं रॉबर्ट बर्न्स के लिरिक्स से। आई थिंक फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपके कमेंट एंड लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।